रोहित शर्मा ने रांची T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 36 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली। उनके इस पारी में 5 छक्के और सिर्फ 1 चौका शामिल रहा। इन 5 छक्कों से रोहित ने 6 बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं, जिसका तमाशा न्यूजीलैंड ने अपनी हार के तौर पर देखा। देखिए वो बड़े रिकॉर्ड जो रोहित ने एक ही मैच में बनाए और बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान शानदार आगाज किया है। टीम इंडिया ने दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मैच में रोहित शर्मा ने 55 रन बनाए, जबकि मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 153 रन बनाए थे। टीम ने लक्ष्य को 72.2 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। केएल राहुल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। सीरीज का अंतिम मैच 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाना है। मैच में रोहित ने 6 बड़े रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। आइए इन रिकॉर्ड को जान लेते हैं। पहला, 29वीं बार 50 से ज्यादा का स्कोर। मैच में रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 29वीं बार 50 से ज्यादा स्कोर बनाया, ये एक रिकॉर्ड है। विराट कोहली भी सबसे अधिक 29 बार ये कारनामा कर चुके हैं। रोहित ने 4 शतक और 25 अर्धशतक लगाया है। कोहली अब तक शतक नहीं लगा सके हैं। साथ ही T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड रोहित के नाम ही है। दूसरा, केएल राहुल के साथ 5वीं बार शतकीय साझेदारी। मैच में रोहित शर्मा और केएल राहुल ने शतकीय साझेदारी की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 117 रन जोड़े। दोनों की ये T20 इंटरनेशनल की 5वीं शतकीय साझेदारी है और ये भी एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी बतौर जोड़ी सबसे ज्यादा बार 5 बार शतकीय साझेदारी की है। तीसरा, 450 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय। रोहित शर्मा ने मैच में 5 छक्के लगाए। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 454 छक्के हो गए हैं। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 450 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दुनिया के सिर्फ 3 खिलाड़ी ही ऐसा कर सके हैं। रोहित से पहले क्रिस गेल और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी भी ऐसा कर चुके हैं। चौथा, 25वीं बार 50 से अधिक रन बनाकर जीत दिलाई। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में 25वीं बार 50 से अधिक रन बनाकर टीम को जीत दिलाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वो 3 बार शतक और 22 बार अर्धशतक लगाकर ऐसा कर चुके हैं। दुनिया का अन्य कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सका है। विराट कोहली 20 बार ये कारनामा करके दूसरे नंबर पर हैं। पांचवी, बतौर खिलाड़ी 13वीं बार शतकीय साझेदारी। रोहित शर्मा बतौर खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल में 13 बार 100 से ज्यादा रन की साझेदारी कर चुके हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। उन्होंने केएल राहुल के साथ 5 बार, शिखर धवन के साथ 4 बार, विराट कोहली के साथ 3 बार और सुरेश रैना के साथ 1 बार 100 से ज्यादा रन जोड़े हैं। छठी, सबसे कम मैचों में 10वीं जीत हासिल की। रोहित शर्मा बतौर कप्तान घर में सबसे कम मैचों में 10 जीत हासिल करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को घर में 11 में से 10 T20 मैच में जीत दिलाई है। विराट कोहली और MS धोनी ने यहां तक पहुंचने के लिए 15 से ज्यादा मैच लिए थे। तो ऐसे टीम इंडिया के T20 कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ही मैच में 6 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। साथ ही साथ रोहित अगर इस सीरीज के आखिरी मैच में खेलते हैं और 3 छक्के और लगा देते हैं तो भारत की ओर से 150 T20 इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले वो पहले बल्लेबाज भी बन जाएंगे।